बिहार के वैशाली जिले में पटना से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में हरिवंशपुर गांव में चमकी बुखार का प्रकोप हुआ, जिसके विरोध में गांव के लोगों ने पीने के साफ पानी और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के अलावा कुछ नहीं मांगा। ये नल में पानी आता है? हाँ भी आता है। उस वाले में? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। कितना देर आता है? बहुत कम आता है, कभी भी हमारे सब नल में पानी आता ही नहीं। अच्छा, खोल के दिखाओगे उसको जरा? बंद है। अच्छा, और इस वाले में? सब बंद है। जब 40 परिवारों के बीच 7 बच्चों की मौत हो गई तो उन्होंने अपनी सरकार से बेहतर ध्यान देने की मांग करते हुए पास के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-22 को अवरुद्ध कर दिया। पिछले साल हुआ था, चमकी बुखार हुआ था, चमकी बुखार से 7-8 बच्चे यहाँ मर गए थे जी। इसमें 2 बच्चा मेरा भी मरा है एक दिन में। क्या उम्र थी आपके बच्चों की? वो के प्रिंस कुमार था, उसका नाम बड़ा वाला के उसका 7 साल का था। छोटा वाला के छोटू नाम था, उसका नाम था 2 साल का उम्र था जी। 2 साल का, एक ही दिन में मौत हो गई? एक दिन में दोनों की मौत। और पूरे गांव में कितने बच्चे की मौत? पूरे गांव में 7 बच्चे की मौत। अच्छा। पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के बदले ग्रामीणों को राजनेताओं और अन्य हितधारकों द्वारा झूठा आश्वासन भी दिया गया और राजमार्ग को अवरुद्ध करने की वजह से ग्रामीणों के खिलाफ FIR भी की गई। आज साल से 1.5 साल हो गया। हाँ। तो हुआ जे बच्चा सब मरने लगा। हाँ। ये चमकी बुखार से। हाँ। तो मेरा हस्बैंड बाहर थे। हाँ। तो बाहर थे तो चमकी बुखार हुआ तो पानी की सुविधा नहीं था। हाँ। तो सब लोग गए थे वहाँ रोड पर। हाँ। रोड घेराव करने। हाँ। तो उसको बाद में माने कि अब जो भी आदमी थे। हाँ। सब गए थे तो उसको बाद में हुआ जे केस कर दिए मेरे हस्बैंड पर। हाँ। मेरा ससुर पर किए। हाँ, ससुर आपके गए थे क्या? नहीं गए थे, ऊपर लाइटिस मारे थे। अच्छा। तो विकलांग थे उनको, तो हुआ जे मेरा वहाँ हस्बैंड पर कर दिए। ससुर पर था तो ससुर डेट कर गए। हाँ। तो उसको बाद हस्बैंड पर कर दिए। अच्छा। तो उसके बाद में कानून आए तो बोले कि बेल कराइए। तो 7 महीना मेरे हस्बैंड आकर के यहाँ थे लॉकडाउन में। तो 7 महीना थे तो बोले कि अब अति बेल होगा, प्रक्रिया इसको होगा। हाँ। तो कानून आए थे। हाँ। तो 14 आदमी के केस था तो और हमको हस्बैंड पड़ा ताकते चल गए। हाँ। बेल के कोई अथी नहीं आया। हाँ। कागज वत तो चल गए। तो उसके बाद में फिर बोले कि बेल होगा। तो उनके बाद में कानून आ करके बोला है कि आपको कुर्सी जब्ती हो जाएगा। हाँ, घर का कुर्सी जब्ती हो जाएगा। चमकी बुखार के साल भर से थोड़ा ज्यादा हो रहा है सर। हाँ, बच्चे को परेशानी भी हुई थी आपके इस टोला के। सर, इस गांव में 3-4 बच्चा मरा है। हाँ। उसको आसपास में और मारा है। हाँ। उसीलिए ना पानी के लिए लोग सड़क पर रोड घेराव किए थे। हाँ। उसीलिए FIR किया गया था। हाँ। क्या चीज के हम लोग के गलती से FIR किया गया? पानी के लिए बच्चा मर रहा था, सियान मर रहा था। हाँ। सब तरस रहा था, पशु जानवर सब। तो हमने रोड घेराव किए। घेराव करने के अलावे हम लोग पर FIR किया गया। हरिवंशपुर के निवासियों ने 2019 में सरकार को अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य के मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कई पत्र लिखे और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। संसद में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में केवल बिहार में ही चमकी बुखार के 872 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 176 बच्चों की मौत हुई थी।